Hey guys, welcome to the Ultimate Channel. मेरा नाम है आदित्य। तो दोस्तों, हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम एक ऐसे डॉग की बात करेंगे जो रशिया से आती है और जिसका नाम है सामोयेद। तो दोस्तों, सामोयेद की डॉग ब्रीड नॉर्थ वेस्टर्न रशिया से आती है, साइबेरिया से, और वहाँ के लोगों ने सामोयेद को असल में हंटिंग डॉग के लिए ब्रीड किया गया था, लेकिन वहाँ पे उनको और भी कामों के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि बर्फ में स्लेजेस खींचने के लिए, रेंडियर जो होते हैं उनको हर्ड करवाने के लिए, और ऐसे बहुत से काम होते थे। तो सामोयेद की ब्रीड को जिन लोगों ने डेवलप किया था अपने काम करवाने के लिए, उन्हें सामोयेदे या फिर सामोयेदी पीपल कहा जाता है, जो कि साइबेरिया से आते हैं और वो एक ट्राइब से हैं। तो इस ट्राइब के ऊपर ही इस सामोयेद ब्रीड का नाम रखा गया है, लेकिन इसके अलावा भी इस ब्रीड के कई और रशियन नाम हैं, जैसे सोबाका, नेत्सेकिया लाइका, बेजिकिर, ऐसे 2-3 और रशियन नाम्स हैं जिन्हें प्रोनाउंस करना भी काफ़ी मुश्किल है। वैसे जिन लोगों के पास इंडियन स्पिट्स है, उन लोगों को लग सकता है कि हाँ, ये इंडियन स्पिट्स जैसे लगते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इंडियन स्पिट्स की हाइट इनसे थोड़ी छोटी होती है। ये डॉग मीडियम साइज के हैं और इनकी एवरेज हाइट करीब 21 से लेकर 23 इंचेस तक होती है, यानी कि एक एवरेज साइज के लैब्राडोर जैसा ही। तो ये जो सामोयेद की डॉग ब्रीड है, ये मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे काफ़ी क्यूट लगते हैं, और हो सके तो मैं भी एक रखना पसंद करूंगा, लेकिन ये ठंडे वेदर में रहने वाले डॉग है और इंडिया में ये काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। मैंने भी आज तक कभी सामोयेद की डॉग ब्रीड देखी नहीं है और ऐसे डॉग शोज़ वगैरह में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं ये, लेकिन इंडिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास सामोयेद ऐसे होंगे, लेकिन काफ़ी रेयर लोग होंगे वो। तो सामोयेद की ब्रीड काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग होते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने डॉग को टाइम नहीं दे सकते, बिकॉज सामोयेद की ब्रीड को हमेशा एक्टिव रहना पसंद है, मतलब कि कुछ ना कुछ चाहिए उन्हें करने के लिए, जैसे कि कोई गेम्स खेलना या फिर किसी चीज़ को लेके खेलते रहना, ऐसे जैसे कि वो हमेशा एक्टिव रहे और हमेशा सोते ना रहे। तो जो लोग अपने डॉग को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वो लोग इस डॉग को ना ही ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, एक और बात, ये डॉग्स बर्फीली जगहों से आते हैं, यानी कि ठंडी जगहों से आते हैं, तो इनमें फर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा बड़े लगते हैं। और जब इनके शेडिंग सीज़न का टाइम होता है, तो जिन लोगों के घर में ये है, उस टाइम उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, इनका एक थिक डबल लेयर कोट होता है। अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर गर्मियों के सीज़न में कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है, तो आपके इनके कोट को एक बार ट्रिम करवाना पड़ेगा, बिकॉज गर्मियों के टाइम में इनको कुछ ज़्यादा ही इरिटेशन होने लग जाएगी, क्योंकि इनके बाल बड़े होंगे और एक गर्मियों का सीज़न होगा, तो गर्मियों के टाइम में इनको एक हेयर कट ज़रूर करवाएं। सामोयेद की ब्रीड घर में अकेले नहीं रह सकती, तो अगर आप इस डॉग को लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो कोई दादी हो या फिर कोई नानी हो या फिर कोई मेड वगैरह हो, या फिर घर में कोई ना कोई होना चाहिए अवेलेबल जो इनकी देखभाल कर सके, बिकॉज़ ये डॉग ब्रीड अकेले रहने में काफ़ी परेशान हो जाती है, और हो सके तो ये ओनर के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आसपास अगर कोई घर का मेंबर हो तो ये सेफ़ फील करते हैं। सामोयेद की ब्रीड काफ़ी फ्रेंडली नेचर वाली होती है, और एक एग्रेसिव सामोयेद को ढूंढना, मतलब खोज पाना, काफ़ी रेयर है। और अगर आप सामोयेद को एज अ गार्ड डॉग ले रहे हैं, तो आप ना ही ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज़ ये गार्डिंग में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और इन डॉग ब्रीड के बारे में एक और चीज़ फेमस है, वो है इनकी स्माइल। सामोयेद जब भी अपनी जीभ को निकालते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये स्माइल कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनका नाम सैमी स्माइल और स्माइली डॉग जैसे नाम भी दिए गए हैं, क्योंकि इनकी स्माइल बड़ी क्यूट लगती है। तो अगर आप सामोयेद की ब्रीड को लेने का सोच रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इनको ख़रीदने के लिए आपको करीब 1.5 लाख के आसपास या फिर 1 लाख से थोड़ा कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो अलग ही है। और ये काफ़ी हेल्दी पपीज़ होते हैं, आपके साथ करीब 12-15 साल तक रह लेंगे, और अगर ज़्यादा केयर दी जाए तो और भी ज़्यादा लाइफ स्पैन हो सकती है इनकी। तो गाइज, ये था आज का हमारा एपिसोड सामोयेद डॉग ब्रीड के बारे में, और ऐसे पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें इस वीडियो पर। थैंक यू।